I've fallen in love with I Love. I love you. Del Bole, wow. वहां पर तो सिर्फ यही मिला, बैग दे दो। सारी रात कहां पर था? कॉलर छोड़ मेरा। तुझे बोला था ना, छोटी चोरी नहीं करेंगे हम लोग। उस घर में बहुत सारे पैसे हैं मुझे पता है, लेकिन कहां पर हैं ये पता नहीं है। छोड़। बैग मुझे दे। दे मार। देखा ना, सोना, पैसे। भाई बहुत मस्त है भाई। ये सब क्या है? क्या है ये? कितनी बार समझाया तुझे? अंदर जाओ, अंदर जाओ। ही नहीं है, पता नहीं। अंदर जा, जा अंदर। छोड़ दे मुझे। हेलो, पुलिस स्टेशन। मामा, 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 पुलिस आ रही है, जल्दी करो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। भाई भाई जल्दी निकलो, पुलिस आ रही है। भाई भाई जल्दी करो, निकलो यहाँ से। Hey!
अलीपुर की ओर से आ रहे हैं वो लोग, ठीक है? हाँ ठीक है। पुलिस बनकर देश की सेवा करनी है तो उसमें इतना सोचना क्या है। लेकिन एक बात यह भी सही है, ना तो इसमें इज्जत मिलने वाली है और ना ही पैसा। बस यही ख्याल मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है। सुन, हम पुलिस तो जरूर बनेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो बात की बात है। मेरे जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। क्या है? हे डांसर, चल चुप। हे बिनु, हे बिनु, क्यों भांजे? मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर रहे हो। सॉरी मामा, शादी के बाद तो घर में भी नहीं घुसने दोगे लग रहा है। क्यों देव, मैंने सही कहा ना? 100% करेक्ट सर। इसके ऊपर भरोसा मत करिएगा। मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है। आप अपनी लड़की की उससे शादी कर दीजिए। कौन है वो? वो क्या है ना, वो भी IPS के लिए मेहनत कर रहा है। सोना है सर, प्योर सोना है सर। तुम सच बोल रहे हो? IPS की तैयारी कर रहा है तो ये बात है। नहीं बेटा, मेरी बेटी को यह सोने और हीरे जैसा लड़का नहीं जमेगा। मैं तो चांदी हो या पीतल हो उसी से काम चला लूंगा। क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, अभी घर आने का समय मिला। क्या हुआ? सिलेक्टेड। मुंबई में 4 महीने प्रैक्टिस होगी, उसके बाद न्यूयॉर्क में इवेंट। सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और अच्छे से सेटल हो जाओ, मुझे शांति मिलेगी। सिविल सर्विस के लिए अभी एग्जाम है। ए, तुम लोगों का रिटेन एग्जाम होने वाला है ना? सर, रिटेन एग्जाम तो कब की खत्म हो गई, अगले महीने इंटरव्यू है। नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू है, पास है। ए, ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक मुझे बताया नहीं? बताया होगा, शायद मैं ही भूल गया था। ICU, तुम्हें एक बात पता है, अ वेरी सीनियर IPS ऑफिसर इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मिस्टर ज्ञान शेखर ना? हाँ?
आपने इसी हफ्ते अपॉइंटमेंट लेकर दिया है ना? हाँ, वो भी भूल गया क्या? अंजना, जरा कॉफी लेकर आना बेटी। जी, लाई। टेस्ट के लिए कॉलेज में छुट्टी लेनी होगी ना? हाँ आंटी, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं तो मैं अभी ऑनलाइन दे दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जो मौका मिला है बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है। रुको रुको, देखो ना, शक्कर खत्म हो गई। 4 दिन हो गए हैं, क्या करूं? लिस्ट दी है, 4 दिन हो गए, ये लड़का सुनता ही नहीं। तुम कह दो ना उससे। मैं देखती हूँ। ए, मेरी बात सुनो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे याददाश्त थोड़ी कम होती जाती है। मामा, याददाश्त कम नहीं होगी, और बढ़ जाएगी। सर, गजनी साहब का रिलेशन है क्या? कौन? रजनी? गजनी सर, गजनी। पापा, ये आपका मजाक उड़ा रहा है। अरे, अरे नहीं, कौन कर रहा है? थैंक यू। ए, चलो बाहर जाना है। कहाँ जाना? दुकान पर जाना है, उसके बाद मुझे क्लास छोड़ देना। ओ, रजनी का नाम सूर्या है ना? अरे नहीं, रजनी का नाम सूर्या है, मैंने सही कहा ना? क्या आप भी सर। आ जाओ, जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हारे मामा ने करेक्ट टाइम पे पहुंचने को बोला है, अगर नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रे, अंजना भी बात कर चुकी है, सब सही है, चल चलते हैं। तू मेरा क्लोज फ्रेंड है, बोला है ना? हाँ बोला है, सब कुछ बोला है, तो गड़बड़ हो जाएगी। बोला है तो चल। देख तो कैसे घूर रहे हैं, पता नहीं पागल लड़के हैं। भाई वो व्हाइट वाली कैसी है? अरे ए भाई, मामा लोग अरे भाई चलो ना आगे। ए, सिग्नल भी हो गया है, चलना, छोड़ उसे, मुझे तो बाद में देख लेंगे। ये विनोद, चलना यार, बैठ। पागल हो गया है क्या? रोड पे लड़ाई झगड़ा करता है, गुस्से को कंट्रोल करना सीख यार। मिस्टर ज्ञान शेखर है क्या? विनोद हो ना? मैं देव और ये विनोद। हेलो मैम। सॉरी बेटा, आज सवेरे ही एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के लिए निकल गए हैं। आप लोगों के बारे में बता के गए हैं। नहीं नहीं मैडम, हम चलते हैं, वापस कब आएंगे कुछ बताएं? नहीं, जल्दी में निकल गए। ये बात है। कोई बात नहीं, हम फोन पर बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट, आप दोनों तो अभी से पुलिस लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। क्या यार, जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है। किसी पुलिस वाले को मामा बुलाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर तो पूरे गांव को मारना पड़ेगा। वैसे भी मैंने तुझसे कई बार बोला है, गांव में पुलिस वालों को मामा ही बुलाते हैं। कोई भी मुसीबत आई तो पुलिस को साफ, वरना मामा बुलाते हैं। hey, तो क्या हो गया यार, दुनिया में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। इसलिए बुरों को खत्म करना चाहिए। इमोशनल मत हो यार, तुम्हारा ये गुस्सा इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं है, जाने कहां कहां से सवाल पूछते हैं। एनीवेज, इंटरव्यू के लिए हमें हैदराबाद पुलिस एकेडमी जाना है। करेंगे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके। नमस्कार। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी अच्छा हूँ। ये है राजेश। हेलो। सर है मिस्टर कुमार, हमारे बलराज साहब के पीए, सर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ यही है। सर अंदर चलिए ना, आइए सर। हाँ, आइए। आओ, आइए सर, आइए सर, बैठिए ना, आइए। मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर अभी मीटिंग में है क्या? हाँ अभी खत्म हो जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेंगे। आता हूँ सर। सब लोग एक्स मिनिस्टर्स हैं क्या? सर हेल्थ मिनिस्टर श्रीनिवास जी आए हैं। और उनके साथ उनके कोई रिश्तेदार राजेश भी आए हैं सर। हाँ मेल तो देखा था, वो करते क्या हैं? सर वो जर्मनी में बड़ी कंपनियों के साथ सोलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं सर। जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसी कंपनी को वो इंडिया में लाना चाहते हैं सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा ये।
हम चाहे तो इसमें अच्छा नाम कमा सकते हैं। मैं सीएम से बात करूंगा। कंपनी काफी बड़ी है और हमें अच्छा खासा फायदा दिला सकती है। हेल्थ मिनिस्टर की सोच कुछ अलग है, उन्हें आने के लिए बोल दो। जी सर, बोल देता हूँ सर। सर आइए सर। चल नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आप हैं कहाँ? काफी दिनों बाद दिख रहे हैं। हाँ हाँ, आखिरी सीएम की मीटिंग में देखा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? सब अच्छा चल रहा है, बस बिजी बिजी। राजनीति के बारे में तो पता अच्छा, ही अच्छा अच्छा। हाँ, ये राजेश हैं, जर्मनी में सोलर पावर कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब करता है। हाँ। एक बिजनेस प्रपोजल के लिए आपसे बात करना चाहता था, इसीलिए ले आया। नमस्ते भाई। नमस्ते सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ। हाँ बैठिए ना आप। थैंक यू। यहाँ पर बैठिए। आपका मेल तो मैंने देख लिया है, फिर भी एक बार फिर से बिजनेस के बारे में मुझे ब्रीफ कर दीजिए। श्योर सर। ये क्या है सर? हमारे देश में वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो बोला जाता है वो है पावर। पावर के लिए वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल सोर्सेज इज सोलर पावर। बट हमारे देश में, खासकर हमारे स्टेट में, कोल का ज्यादा यूज होता है, और तो और न्यूक्लियर, विंड मिल, सब कुछ। इनफैक्ट अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यही सब है। सूर्य की किरणों से हमें बिजली बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। इससे हमारे देश की करंट प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से मिट सकती है। लेकिन उसके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम है, मेजर ड्रॉबैक, और वो है स्पेस। जगह तो बहुत चाहिए सर। यही कारण है कि आप लोग इसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में प्लान कर रहे हैं? सर इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इसे इंस्टॉल करके पावर कट ना होकर बेसिक नेसेसिटीज में फैन, लाइट, एसी, सब कुछ यूज कर सकते हैं। और तो और जो एक्सेस पावर है उसे कम भी कर सकते हैं। ओ ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है? देश का फायदा है सर। गवर्नमेंट नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पावर को बचा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाएगा सर प्राइवेट और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए। ओ तो हमारा इस्तेमाल करके आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है सर, एक बात बताता हूँ आपको। जर्मनी में आधी जगह में सोलर का प्रयोग हो रहा है, और अगर हमने पैनल का इस्तेमाल किया तो पावर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बताइए कि आपको सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दे दी जाए तो कितना पावर जनरेट होगा? इस समय तो हमारा फोकस 600 बिल्डिंग्स है सर, मुंबई शहर में। पहले तो मैं 15,000 पैनल इंस्टॉल करके 5 मेगावाट तक पावर जनरेट करना चाहता हूँ। ये तो पक्का है कि 600 बिल्डिंग्स में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे चलते चलते 10,000 बिल्डिंग्स में प्रयोग करके 1,00,000 घर में हम सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हमें बढ़ते बढ़ते जाना है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। वैसे ये बताओ कि तुमने ये जो प्रस्ताव रखा है उसके फर्स्ट फेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हा? सर वो मणि पांडे जी आए हैं। ओ सॉरी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, जाना होगा। कोई बात नहीं सर। राजेश, आई लाइक योर प्रपोजल। तुम एक काम करो, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर मेरे पास ले आओ। वैसे तुम्हें बता दूं कि अगर तुम 2000 बिल्डिंग्स लिखोगे तो तुम्हें 600 बिल्डिंग सैंक्शन होंगी। ओके सर, श्योर। बाकी कुछ चाहिए तो कुमार से बात कर लेना, वो सब देख लेगा। इससे कॉन्टेक्ट में रहना। ठीक है, चलता हूं सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैंने छोड़ कर क्या हुआ मामा, क्या सोच रहे हो आप? बोलिए मामा। हमने सोचा था उससे 6% ज्यादा। क्या कहा? 300 करोड़? मैंने सोचा था कि 100 करोड़ तक जाएंगे। दिस इज वे टू मच। देखो बेटा, ईबी प्रॉब्लम से लेकर और भी कई चीजें वो देख लेगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को याद रखना। मिस्टर बलराज जो भी बोलते हैं वो करते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ये मेरी गारंटी है। क्या फायदा है मामा, 300 करोड़, दिस इज टू मच।
मैं भी लेने वाला हूँ, लेकिन ये थोड़ा ओवर है। लेकिन इसमें तुम्हें क्या है, तुम्हारा तो बहुत टर्नओवर होगा। इसमें इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें 10-20 गुना ज्यादा ही मिलेगा। ऐसे बिजनेस कभी अच्छे चलते हैं क्या मामा? तुम तो अभी भी अच्छे हो, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तुम लोग तो करोड़ों रुपए कमा लेते हो, हम तो राजनीति वाले हैं, हमें भी तो पैसे कमाने चाहिए। हाथ में बहुत खुजली होती है। खुजली जाएगी, पैसा तो आपको भी मिलेगा, आप भी अच्छा कमा लोगे। बस एक बार हमारा ये काम शुरू हो जाए। देव, और कुछ रखना बाकी है क्या? नहीं यार, सब कुछ रख दिया। कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना, तभी सब कुछ इजी होगा। दिल में हिम्मत जरूरी है, पर गुस्से पर भी कंट्रोल करना। समझ रहे ना मेरी बात? पक्का, तुम ज्यादा मत सोचना, मैं सब कुछ संभालूंगा। ठीक है। हाँ जरूर, अंजना को बोल दिया है ना, वो कब आने वाली है? उसे आने में और 4 महीने लगेंगे। ओ, गाड़ी भी रेडी है। गुड लक विनोद, कॉल करता रहूंगा। थैंक्स, लेकिन आप भूलना मत, पुलिस बनना इतना जरूरी नहीं जितना पुलिस बनने के बाद वाले काम। ओके मेरे दोस्त, चलता हूँ दोस्त। बाय, गुड लक। हे, ध्यान रखना। इसे 3 महीने ही बाकी है ना, वो यूं ही चले जाएंगे। उसको भी अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने दो, तुम भी अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करो, उसे फ्री होने दो थोड़ा। कैसा है विनोद? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ। एक हफ्ते में 3-4 बार कॉल करना था, जाते ही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ पर स्टडी क्लास बहुत ज्यादा हो रही है, आगे आगे सब इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बस तू ही एक मिसिंग है। चल कोई नहीं, तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कुछ दिन बाद तो तेरे भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना? हाँ जानता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, कहीं पिछली बार की तरह इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊँ। मुझे पता है तू अच्छा ही करेगा। चल कोई नहीं, ट्रेनिंग ऑफिसर बुला रहा है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर, बाय। हम सब लोग बाहर जा रहे हैं, आर यू कमिंग? ओके बाय। Don't worry sir, I will take care of everything.
हाँ आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ, इस बार भी गए क्या? टाइम वेस्ट ना करे, बोल दो उसको। क्यों चिल्ला रहे हो, अच्छा तो पढ़ता है और क्या करेगा? वो तो पूरी लाइफ पढ़ते ही रहेगा, मेरी बेटी उसका इंतजार कर रही है, पता है नहीं होगा, अब नहीं होगा, ये सब नाटक बंद करके अब मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाए। अरे खाना तो खा के जाइए, अगले महीने इन दोनों की शादी होने वाली है। फिश टैंक क्यों तोड़ा? अंजना तुम साफ मत करना, उसे ही करने दो, सब तोड़ने की आदत हो गई है उसे। क्या हुआ है विनोद? तुम्हें देखकर कैसा लग रहा हूं? पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं, पुलिस बनकर कुछ करना चाहता हूं। मुझे लगता नहीं कि मैं पुलिस बन पाऊंगा। क्यों रे, अब क्या करेगा? मैं और क्या करूं? तूने तो कुछ तो सोचा ही होगा। देखो माँ, उससे मेरी शादी नहीं होगी, मामा ऐसा कह रहे थे। सच तो है, तू तो रुबाब झाड़ता रहता है, जब से तेरे पापा चल बसे तब से वो अपने घर को संभाल रहा है, ये बात मत भूलना, और कहा भी है तो गलत क्या है? विनोद आप ही बताइए क्या करूं मां। हाँ आओ अंदर आओ। वेलकम विनोद। जिंदगी में जो जैसा सोचता है ना वैसा हो नहीं पाता। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मैं तुम्हें कैसे मोटिवेट करूं समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम इस बिजनेस में आए तो ये बहुत अच्छा चलेगा। तुम्हें पता है ये तुम्हारे पापा का बिजनेस है, मैं तो सिर्फ इसे चला रहा हूं, दैट्स ऑल। विनोद मेरी बेटी का तुम ठीक से ध्यान रखना, रखोगे ये मुझे पूरा विश्वास है। फाइल कहाँ रख दी है मैंने? हाँ मैं भूल ही जाता हूँ, यहीं पर है, ध्यान में नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम जल्दी से टेक ओवर कर लो तो मैं थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाऊँगा। विनोद ये देखो, इसमें हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स है, तुम थोड़ा इसे पढ़ लो। ओके विनोद गुड लक। हे अंजना। मेरे पापा ने बहुत जल्दी कर दी ना। मैंने ही थोड़ा लेट कर दिया। बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब तुम क्या सोचने लगे हो? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? क्या तुम जानती हो अब मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों साथ काम करते हैं। हम्म। मंगलसूत्र कहाँ है? अंदर कमरे में निकाल कर रख दिया। अच्छा समझ गया। हमारी शादी तो हो ही चुकी है ना। Thank you.
कोई हमारा क्या बात है, पृथ्वीराज महाराज की जय। ये लो। नहीं नहीं क्यों, बस हो गया। क्यों भाई राजेश, कंप्यूटर के सामने से हटने का दिल नहीं करता क्या? आइए, कैसे हैं आप? मेरा क्या है भाई। अच्छा, तुम आराम भी करते हो कि कंप्यूटर में ही लगे रहते हो? बोलिए ना, बात क्या है? क्यों भाई, मैं तुम्हें ऐसे मिलने नहीं आ सकता? ऐसे ही, वो भी आप, मजाक मत कीजिए। तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ, अभी तक चालू हुआ कि नहीं? उसी का सिलसिला जारी है, आपको तो पता ही है कि बिजनेस में सोच समझ के कदम रखना है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, बलराज जी की मदद के बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर अपने बिजनेस पर इतना विश्वास है तो करना चाहिए था ना, शुरू कर देते। विश्वास तो है, पर क्या होगा, इस घर को बनाने के लिए आधा पैसा चला गया, देखते हैं। कुमार का फोन आया था, वो लोग भी सब तुम्हारे विश्वास पर बैठे हैं, अब एक साल हो गया, उनको क्या बोलूं? पैसा रेडी होने के बाद बोलूंगा, ऐसा बता दीजिए। थोड़े दिनों बाद मैं खुद ही फोन करूंगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, मैं देख लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो मेरा फर्ज पूरा कर दिया, तुम बड़े आदमी बनकर मुझे याद रखना भाई। ठीक है, तो तुम पैसे तैयार करो, मैं आता हूं। अरे ठीक से खाना खा, आजकल देख रही हूँ ठीक से खाना नहीं खाता। रख दे बेटी, मैं लेती हूँ। माँ, मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा। तो फिर क्या करेगा? एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए हैं, मैं एक बार फिर आईपीएस के लिए अप्लाई करूंगा। जरूर करना, तू ऑफिस में क्यों नहीं पढ़ता? मैं वहां कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। पढ़ाई करके क्या करेगा तू, अब तो शादीशुदा है, तेरे साथ तेरी बीवी है, याद रखना। माँ, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं देख लूंगी। एग्जाम पास नहीं की तो? विनोद रुक जा, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, बदतमीज हो गया है तू। तेरे पापा ने मुझे कितनी तकलीफ दी है, और ऊपर से तू मेरे लिए ना सही अपने बीवी के बारे में सोच। क्या सिर्फ तुझे ही तोड़ना आता है, मुझे भी आता है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप, क्यों बिना वजह टेंशन ले रही हैं आप? सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि एक बार वो आईपीएस का एग्जाम दे दें। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन माँ, मैं यहाँ खुश हूँ, प्लीज मेरे लिए इतनी टेंशन मत लीजिए।
अब समझ में आया कि उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या करने जा रहा है वो? हाँ, वो आईपीएस के लिए ट्राई करना चाहते हैं और करेस्पॉन्डेंट से डिग्री। वेरी नाइस, लाइफ लॉन्ग पढ़ने के लिए बोलो उसको। काम करना है, कमाना है, इसके लिए कुछ आइडिया है क्या उसके पास? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। तुम ही तो उसको देख रही हो बेटी, तुम्हारी अपनी लाइफ भी तो है। उसके लिए तुमने डांस क्लास भी बंद कर दी और अब उसी के कारण जॉब छोड़कर तुम यहां पर बैठ गई। कल को तुम्हारा बच्चा होगा, तब क्या तुम किसकी किसकी देखभाल कर पाओगी? ठीक है, छोड़ दो। अगर इस बार भी आईपीएस पास नहीं हुआ तो पापा आप अपने दोस्त ज्ञान शेखर से अपॉइंटमेंट ले लेना। विनोद, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। इस जमाने में इसके जैसे लड़के 5-10 लाख की सैलरी की जॉब के सामने बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। वजह है पैसा, क्योंकि पैसे की चमक दमक के सामने इन्हें सब कुछ फीका नजर आता है। ऐसे माहौल में अपने विनोद को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रियली आई फील वेरी हैप्पी। तुम अपनी सोच के पक्के हो। पर एक बात, पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आईपीएस ऑप्शन नहीं है। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट स्टेट पुलिस सर्विसेज, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट? नहीं सर, उसमें 12 साल के बाद नॉमिनेट होते हैं, इसलिए सोचा नहीं है। तो क्या हुआ, आईपीएस नेशनल लेवल है तो एसपीएस स्टेट लेवल। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसे मानो, एसपीएस ट्राई करके देखो, एक एक लेवल पर बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? तुम जो बोलोगे वो ठीक ही होगा ना भाई। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। या बाय अंकल, सी यू। नमस्ते। ठीक है, चलता हूँ। टेक केयर। क्या हुआ? थैंक यू। वेलकम ऑल टू द पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। इन 2 सालों की ट्रेनिंग में, एज यू ऑल नो, फर्स्ट ईयर में योर कैंपस ट्रेनिंग एंड थियरी क्लासेस होंगे और सेकंड ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर में आपकी फील्ड ट्रेनिंग होगी, आपके कंट्रोल में एक पुलिस स्टेशन असाइंड होगा। ये काम करने का एक अच्छा मौका है। सो आई विश यू ऑल गुड लक एंड डू वेल। क्यों भाई, जिस घर में चोरी हुई है वहीं पर आकर खोजबीन कर रहे हो? वो लोग यहीं पर रहते थे सर। हाँ वो तो है, गरीब थे इसलिए काम पर रखा था और मेरे ही घर में चोरी करके भाग गए वो लोग। भरोसा नहीं करना चाहिए इन बाहर के लोगों पर। जाने दीजिए, दिल छोटा मत कीजिए। अच्छा, चोरी कितने की हुई थी? 60 लाख का सोना था, 60 लाख रुपए का। अब तो रोज ही चोरी की बात सुनने को मिलती है। चोर के हाथों से ही तो चोरी होती है। क्या बोला? सच ही कह रहा हूं,
तुम ये सच कह रहे हो? हैं? तुम लोग लाखों लाखों बैठकर गिनते हो, इसलिए तो हम करोड़ों करोड़ लेते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। सच के? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जल्द से जल्द इस चोर को पकड़कर अंदर करो। तुमने अब तक जो भी सोचा था ना, वो सब करना। खुश रहे बेटा। ए कांस्टेबल, वो सब सामान यहां लेकर आओ। इस लेटर पर एक सिग्नेचर चाहिए। ये फाइल अंदर रख दो। नमस्ते सर। कैसे हो भाई, सब ठीक है ना? गाड़ी निकालो। गाड़ी तैयार है सर। सर। हेलो, मुझे आखिरी 3 साल के सारे केस की फाइल्स चाहिए। ओके, श्योर। कांस्टेबल मंगला मैडम को भेजो। आप किसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं? मनी पांडे सर के अंडर में। जी हाँ। सुनो, ये सर हमारे SPH ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। सर को हमारी केस की फाइल्स दिखाओ और सर को जो भी मदद चाहिए होगी वो तुम्हें करनी है। ओके सर। ठीक है, कोई भी नया केस हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। लो, चेक कर लो एक बार, दे दो उसके हाथ में। राजेश, ये लीजिए। ये सब क्या है सर? सिर्फ एक पेपर है। आपकी मेहरबानी तो हमें हमेशा ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कैसी बात कर रहे हैं सर, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बस फोन कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। जरूर सर। बैलेंस डॉक्यूमेंट्स आपको हफ्ते भर के अंदर मिल जाएंगे। कुमार के साथ कॉन्टेक्ट में रहिएगा। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है इसमें, आपका बिजनेस ठीक से चलना चाहिए, सब अच्छा ही होगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। आपकी वजह से पावर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या होगी? हमारी पार्टी का नाम भी तो होगा ना। ठीक है, अब हम चलते हैं सर। जी जी, अच्छी बात है। मणि पांडे, इस सूटकेस को मुंबई सेंट्रल पहुंचाना है, अब तुम जल्दी से निकलने की तैयारी करो। अभी नहीं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में देख लेंगे। क्यों? ठीक है कुमार। जी सर। इस सूटकेस को कुछ दिन के लिए रूम के अंदर रख लो, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। गांव में लोग पैसे कमाने के लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं, हैं? सर। और मैं बिना मेहनत के कमाए पैसे कैसे संभालूं ये सोच रहा हूँ। पैसे हैं तो भी प्रॉब्लम, न हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठो ना। उस सोने का क्या हुआ? अभी तक तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। 15 दिन हो चुके हैं, एक मिनिस्टर के साथ अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो आम आदमी के साथ क्या करते होगे? कोई इज्जत नहीं है क्या हमारी? चोर को जल्दी ही पकड़ लेंगे, तभी बताया तो था। जल्दी से पकड़ो उसे। और विनोद, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। गुड। इंस्पेक्टर राजा क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं? सर, मैं इंटरेस्टिंग केस सॉल्व करना चाहता हूँ। बाय द वे, ACP सलीम से मिले हो ना? जी हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ लेकिन बात नहीं हो पाई। या सलीम ने मुंबई सेंट्रल में एक ड्रग केस पकड़ा था जिसके लिए वो मेडल का वेट कर रहा है। ही इज बीइंग इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग, आई थिंक फॉर 5 years नाउ। 6 years। या 6 years। तुम्हारी तरह SPS कैटेगरी, ट्रांसफर ली थी,
फिर अभी वहीं पर पोस्टिंग लेकर जा रहा है। अगर आईपीएस होता तो प्रमोशन लेकर दूसरे स्टेट में जा सकता था। सर प्रमोशन नहीं मिला मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि मुझे मुंबई में काम करना अच्छा लगता है। वन मिनट, हाँ बोलिए कहाँ। ओके मैं एसीपी सलीम को भेजता हूँ। सलीम yes, तुम्हें sir? जल्दी निकलना होगा मालवाड़ी yes, एरिया। श्योर sure, सर। हाँ आईजी से कांटेक्ट करना सर। वन मिनट कुमार जी बोलिए सर। अच्छा रघुनाथ सर है साहब इस समय मीटिंग में, क्या हुआ सर कोई जरूरी काम है क्या? हमारे केस के बारे में बात करनी थी, चोर को पकड़ लिया है, अभी क्या करना है पूछना था। ओहो हो एक मिनट सर। हाँ सर साहब से पूछा, उन्होंने खत्म करने को कहा है और सोना संभाल कर लाने के लिए कहा। क्या खत्म करने को कहा? साहब ने कहा है? जी सर जी जी उन्होंने ही कहा है सर उन्होंने। ठीक है ओके। ठीक है सर ओके। सलीम सर तुम अभी के अभी मुंबई जाओ। श्योर मिस्टर रघुनाथ जी के यहाँ पर। ओके सर। मैं तुम्हें लोकेशन एड्रेस दे रहा हूँ, लोकेशन है आरजू पेपर मिल, वहाँ आईजी गुरु से कोऑर्डिनेट करो सर। इफ एनीथिंग यू कॉल मी। सलीम सर सब सोच समझ कर हैंडल करना। श्योर सर। वहाँ तुम्हें एक बैग मिलेगी, वो मिनिस्टर रघुनाथ के घर पर ड्रॉप करनी okay, है। सर क्या मैं भी साथ जाऊँ? आने दीजिए सर, ये भी सीख जाएगा। ओके ओके सर। जय हिंद। यही लोग हैं क्या? जी सर। ये बैग ले जाके गाड़ी में रखो। विनोद आर यू ओके? यस सर। वो लोग क्रिमिनल्स है ये मत भूलना। तो हम सब कौन है सर? इसमें सारे डिटेल्स मौजूद हैं। तुमने जैसा बताया मणि पांडे ने गलती की है, दो दो एनकाउंटर्स, ऑथराइजिंग अनवांटेड अरेस्ट, ब्राइबरी, लेकिन इस जमाने में ऐसी गलती कौन नहीं करता है। सिट डाउन। ठीक है तो अब तुम क्या करने वाले हो? सर मैं क्या करूं पता नहीं, किससे बात करनी है ये भी पता नहीं, इसलिए सारी डिटेल्स के साथ आपके पास चला है। ओके मैं क्या करने वाला तुम ये सोच रहे हो, मेरी बात मानो, तुम ये सब कुछ भूल जाओ, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। तुम बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, प्लीज डोंट थ्रो इट टू वेस्ट। मणि पांडे पर बहुत सारे केस दर्ज हैं और वो बहुत सफाई से ये सब सॉल्व कर लेता है, मैंने देखा है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, एक स्मार्ट और एफिशिएंट ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। यहां सब ऐसा ही है विनोद, कौन कब कैसे बदलेगा पता नहीं, खुद ना भी बदलना चाहें तो मजबूरी बहुतों को बदल देती है। सो तुम ऐसे लोगों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहोगे या ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना चाहोगे ये तुम्हारे हाथ में है। एक बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, ट्रेनी को किसी ऐसे वैसे ऑफिसर के अंडर में नहीं रखते हैं, बट अंडर द बेस्ट। अभी मणि पांडे बदल गए बट
वंस ही वाज द बेस्ट। लिसन विनोद, तुम्हें करना यह है कि सिर्फ अच्छी बातें सीखो, सिर्फ अच्छी चीजें फॉलो करो। अगर ऐसी कंप्लेंट तुमने सबमिट कर दी तो तुम्हारा करियर स्पॉइल हो जाएगा। तुम्हें वार्न कर देता हूं। जी हाँ, यस सर। चिंता मत करो, टेक इट इजी। यस सर। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आपकी मिसेज कैसी हैं? ओके, हाँ यही है ना, देती है। अरे वो सीनियर ऑफिसर है। हट, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर है, मेरे थोड़ी। सर, अच्छा तुमने मिस्टर ज्ञान शेखर से बात तो कर ली है ना? चलो जाने दो। अच्छा मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था क्या? तुम खुद ही आने वाले थे ऐसे बताया था। चलो, मैंने इसलिए फोन किया कि कल मॉर्निंग में मैं आ नहीं पाऊंगा। वन मिनट। हाँ, दो सूटकेस अंदर रख दिया। विनोद, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। तीन सूटकेस होंगी ना? नहीं, साहब ने दो के लिए ही बोला था। दोबारा तीसरे सूटकेस के लिए नहीं जा सकते? नहीं, परेशान मत होइए, उसमें कुछ काम है सर। ओके। अच्छा उसका नाम क्या है जिसने ये बिजनेस शुरू किया? राजेश। राजेश, तो क्या बिजनेस शुरू हुआ? हाँ, एक हफ्ते में चालू हो जाएगा। साहब का सारा काम हो गया है, सिग्नेचर भी कर दिया है। इस मामले में तो सब कुछ करेक्ट हुआ है। ठीक है, मैं जाके आता हूँ। ओके सर। हेलो, क्या अभी? मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। रुको, चाय बनाकर लाती हूँ। क्या हुआ विनोद? मनी पांडे सर का एक्सीडेंट हो गया है। इसी ओके? वो जाऊंगा तब पता चलेगा। बहुत गर्म है, मुझे लेट होगा। ठीक है, संभल के जाना। हाँ क्या लगता है, एक्सीडेंट है क्या? देख के तो ऐसे लग रहा है सर। इस रास्ते पर कैसे आए होंगे, आपको कुछ आइडिया है क्या सर? ये तो कल रात ही मिनिस्टर साहब के काम के लिए मुंबई जाने वाले थे और आज शाम को मुझे सीबीसी रोड पर मिलूंगा ऐसा कहा था। मुझे तो लगता है ये ट्रक भी चोरी का ही होगा। एक्सीडेंट को देख कर लगता है ड्राइवर अनट्रेंड होगा, आगे गाड़ी आ रही है देखा नहीं और ठोक के भाग गया होगा। चोरी का ट्रक? हाँ सर, आज ही सिलवासा में ट्रक चोरी का एक केस दर्ज हुआ है। कांस्टेबल, इस भीड़ को यहां से हटाओ। देखता हूं, देखता हूं। रखो। बेचारा मेरे लिए सब कुछ करता था। सर ये खून नहीं है सर। हाँ सर, ये एक्सीडेंट लगता है सर। उस एरिया में सब कुछ अच्छे से देखा ना, सूटकेस वगैरह तो नहीं था? हाँ सर, लोग बता भी रहे थे कि वहां पर कोई सूटकेस वगैरह नहीं है। कुमार,
देखो वहां हमारे जितने भी जान पहचान वाले हैं उन सब से पूछताछ करो, पता करो कि आखिर वो ड्राइवर कौन था। जी सर मैं पूछता हूँ। डीसीपी मारा गया है तो फिर इसका मतलब है वो लोग ऐसे नहीं बैठेंगे, जरूर कोई एक्शन लेंगे। जी जी सर, सब लोग बोल रहे थे कि एक्सीडेंट ही है सर, एक्सीडेंट है तो केस भी आराम से क्लोज हो जाएगा सर। जी मैंने अपने लोगों को बोल कर रखा है सर, कुछ भी पता चलेगा तो वो लोग बता देंगे सर। मैं चलूं सर? रघुनाथ सर हैं? जी हैं, आप बैठिए। सर ने आपके बारे में बताया था। किसने? मनी पांडे सर ने। सुना है कि आप नए हैं डिपार्टमेंट में, मैं उन्हें बुलाता हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ। कुमार। जी सर। इनके लिए चाय लेकर आओ। मैं चाय नहीं पीता सर। कॉफी मंगवा दो। नहीं सर, मैं यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आया, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। मिस्टर मनी पांडे का एक्सीडेंट हुआ है आपको पता ही होगा। पता है, हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बेचारा चला गया। मनी पांडे के जाने का दुख पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को है, मैं जानता हूं। पूछो क्या पूछना है। सर उन्होंने आखिरी बार आपके घर से ही फोन किया था, मुझसे बात की थी। सर आप कल रात को बाहर गए थे, उसी समय आया था। तो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो यहाँ किस काम के लिए आए थे और यहाँ से किस काम के लिए मुंबई जा रहे थे आपको पता ही होगा। ये मुझे कैसे पता होगा भला, हम दोनों बस एक ही गांव के हैं, इसी वजह से हमारे बीच में बातचीत हुआ करती थी। तुम इस तरह से मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? मेरे नाम का वारंट लेकर आए हो क्या? नहीं सर, अभी तो खाली हाथ आया था, अगली बार वारंट लेकर आऊंगा। तो फिर जाओ बेटा, वारंट लेकर आओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर। ए कुमार। जी सर। इस लड़के पर अच्छी तरह से नजर रखो, मुझे शक है कि इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। तुम जल्दी से अपने वकील को फोन करो, उसे कहो कि जल्द से जल्द घर पर आए। ठीक है सर। ये कुछ करे उससे पहले हमारा पैसा हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है सर। पहले मुझे कमिश्नर से परमिशन लेनी होगी, उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी ना हो, वरना काम नहीं होगा। हाँ सर, परमिशन तो लेनी ही होगी। इस मिनिस्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था, सारी बातें अच्छी थी। एक काम करते हैं, अपने आदमी उनके घर के आसपास फैला देते हैं। ओके सर। उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। यहीं कहीं आजाद घूम रहा होगा। हाँ सर। एक बार वो हाथ लग जाए सब कुछ पता चल जाएगा। या ओके। नहीं बिल्कुल नहीं, पैसे घर में रहने दो, जो होगा मैं देख लूंगा। पूरे 200 करोड़। हे गुड जॉब। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी मिस्टर विनोद कुमार, ये नाम कमाने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है मैं ही जानता हूं। मनी पांडे गलत काम करता था, लेकिन बिना कुछ बताए बहुत कुछ बता के गया है वो। उसकी मौत एक्सीडेंट है इसलिए केस बंद कर दिया गया, लेकिन मैं गुनहगार को ढूंढ के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये विनोद ना? हाँ। मेरा बचपन का दोस्त है, स्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहीं ज्वाइनिंग हुई है। जी। आजा, ये है शंकर। हेलो, विनोद, हाउ आर यू? हाउ आर यू? या फाइन। क्या कुछ पता चला? कुछ नहीं, पहले एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर मिस्टर भरत। अच्छा। सेकंड रिपोर्टिंग ऑफिसर के बारे में तो तू जानता ही है। हे हे, क्या यार, तुम सीनियर ऑफिसर हो, सल्यूट करूं क्या? ये चने खाना बंद करो सीनियर ऑफिसर। हे, वो सब छोड़ना। और हाँ, वो एक नया ट्रेनी भी ज्वाइन हुआ है ना, वो कौन है? हाँ देखो आ रही है। हाय। हाय शंकर। हेलो। हेलो। और ये देव। हेलो सर। हेलो, यू आर फ्रॉम मुंबई? यू आर लकी कि आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। यू आर वेरी लकी, शादी हो गई है?
नहीं सर। क्यों सर, चने खा रहे हैं? सर आ गए। सर सर, दिस वे गाइस। यस सर। सिट डाउन बॉयज, तुम्हें सारी बातें पहले से पता, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। आई एम योर फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर, सो सारे अपडेट्स, केस स्टेटस, सब कुछ मेरे पास आएंगे। अगर कभी मुझसे मिलना नहीं हो पाता है तो दिस इज मिस्टर देव, इनसे आप ऑर्डर ले सकते हैं। तुम लोग डिपार्टमेंट की खास जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, सो इट शुड बी द बेस्ट। तुम लोगों ने इंस्टीट्यूट में क्या किया वो जरूरी नहीं, क्या ग्रेड्स मिले वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फील्ड ट्रेनिंग में क्या किया ये बहुत जरूरी है। अब तुम सबको सारे केसेस एक एक करके सॉल्व करने हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। गुड, बाय द वे दिस इज अरुणा, आवर फील्ड ट्रेनिंग ऑफिसर। कोई डाउट है तो इनसे शेयर करेंगे, बहुत सिंसियर हैं ये। सो यू गाइज आर इन चार्ज नाउ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। विनोद? यस सर। जी सर। मिस्टर ज्ञान शेखर मेरे सीनियर ऑफिसर हैं और मेरे फैमिली फ्रेंड भी। तुम्हारे बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है, इसलिए पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैंने तुम्हारी पोस्टिंग यहां करवाई है। देखो विनोद, तुम्हारे जैसा एक ऑफिसर इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट को चाहिए। थैंक यू सर। तुम शुरू से सिंसियर रहे हो, फिर भी तुमने ट्रेनिंग में सीनियर ऑफिसर की कंप्लेंट। सर वो तुम उसी सिंसियरिटी को यहां पर भी मेंटेन करो, बस मैं यही चाहता हूं। जरूर सर। सच का साथ दो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। आई एम ऑलवेज विथ यू। कुमार। जी सर। देखो ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ है अभी तक पता नहीं चल पाया। सर अभी भी वो लोग केस को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे सर। 5 महीने हो गए अब तक नहीं मिले, तो तुम्हें लगता है कि अब मिल जाएंगे? नहीं, राजेश से कहता हूं कि वो ये प्रोजेक्ट बंद कर दे। सर नहीं सर। अच्छा नाम तो आपका है सर, और इस बिजनेस से हमारी पार्टी का नाम और भी ऊंचा होगा, ऐसा लोग बोल रहे थे सर। और फिर अभी तो वो तो है, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ, लेकिन सीएम उनकी सोच बिल्कुल अलग है। पैसे का क्या सर, वो तो फिर से कमा लेंगे आप। खेल समझ रखा है, 200 करोड़ है, पूरा का पूरा साफ कर दिया। अगले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? बिल्कुल समझता नहीं है, छोड़ूंगा नहीं उसे। वो 100 करोड़ तो सेफ है ना? हाँ बिल्कुल है सर, अभी उस घर में कोई नहीं है। हाँ सर एक बात बताना भूल गया, किसी ने डॉक्टर के बेटे को किडनैप किया है, तो वहां पर पुलिस वाले आए हैं सर। सर आपने भी तो चोरी छुपाने के लिए माँ जी को गांव भेजा है। हाँ भाई हाँ, और वो सोना भी उसी ने रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुमार देखो, हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं ना, उसे किसी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। उसे यहाँ रखकर मेरी क्या हालत होती है मैं ही जानता हूँ। ठीक है सर मैं चलता हूँ। कमान कमान कमान, कैसी हैं? कमान करो करो, काम वगैरह कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बेटी पापा इस तरह है, करो करो करो, हाँ जीत जाओ जीत जाओ, आगे निकलो। विनोद? यस सर। कहाँ हो तुम, कुछ बात करनी है? दोस्त के घर, फैमिली के साथ आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बताइए। अरुणा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है, साथ में मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, अगर तुम चले जाते तो बेहतर होता। श्योर सर, कोई बात नहीं, अभी निकलता हूँ। थैंक्स विनोद। ओके सर, थैंक यू। काम कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ? एक इम्पोर्टेंट काम है, जाना होगा। नहीं तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ऑटो से चली जाऊंगी। आर यू श्योर? या श्योर। मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। बाय पूजा। तुम कभी गुड न्यूज दे रही हो? पता नहीं, अभी अभी तो विनोद अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल हुआ है और अभी हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है। लेकिन तुमसे एक बात कहूँ मैं अंजना, वी आर मैरिड टू पुलिस ऑफिसर्स और उनका मूड हर एक दिन बदलता रहता है। ऑफिस का कोई भी टेंशन घर पे निकलता है, हमें इनसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑफिस से आते ही पता चलता था आज मूड अच्छा है या नहीं, मूड को देखकर मैं भी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन तुम्हें एक सच बात बताऊं, पूजा के आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत खुशी आ गई है।
बिस्किट। अंजना तुम भी जल्दी से गुड न्यूज दे दो, तब तुम भी जिम्मेदार बन जाओगी और विनोद को घर की याद आएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर रही थी, वही है। केस क्या है? किडनैप केस सर, इस एरिया के बड़े डॉक्टर के बेटे का है। 4 दिन हो गए हैं, आज रिपोर्ट बनाई है, कल सर सबको ब्रीफ देने वाले हैं। केस कौन हैंडल कर रहा है? इंस्पेक्टर राजा। बड़े लोगों का एरिया लग रहा है। हाँ सर, राइट साइड में मिनिस्टर बलदेव और बाजू में एक्टर जगदीश, ऐसे बड़े लोग हैं यहाँ पर। बड़े बड़े लोग यहाँ क्या है, ऑफिस है, घर है? घर है सर। मेरी नाइट ड्यूटी है, क्या तुम चाय पीना चाहोगी? नो प्रॉब्लम। ओके। आप देव को कैसे पहचानते हैं? हम दोनों पड़ोसी थे, 10th भी साथ में, स्कूल और कॉलेज भी। तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछा। इंसान तो अच्छा है ही, लेकिन ऑफिसर भी बहुत शार्प है। मुझे भी देखकर ऐसा लगा। सर, सर। क्या भाई इतना लेट क्यों हो गए? पैसे कहाँ है? वहां रखा है। पूरे हैं ना? बैग से निकाल के सूटकेस में रख दिया था। भाई 10 लाख है।
सर कम इन। कैसे हो विनोद? मैं ठीक हूं सर। गुड। अरुणा कंटिन्यू। यस सर। विनोद के स्टेटमेंट में उसका नाम है वीरा, उसका एक मामा भी है पांड्या, वो भी एक बड़ा चोर है। 4 साल पहले की गई एक बड़ी चोरी में वो सारे पकड़े गए थे। उस हादसे में उसके मामा मर गए थे। वीरा को अरेस्ट कर लिया था। 2 साल पहले ही वो बेल पर बाहर आया है। बेल दिलाने वाला उसका रिश्तेदार है। इस केस की एक पिक्युलैरिटी है सर, क्योंकि जो डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस और नंबर, ये रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे। इंक्वायरी करने पर पता चला कि ये वही चोर है। ये है उनका फर्स्ट किडनैप अटेम्प्ट। 4 साल पहले के कुछ फोटोज हमें मिले हैं। थैंक्स सर। ये देखिए। एक चोर किडनैपिंग क्यों करेगा, वो भी सिर्फ 10 लाख के लिए? आपको तो मालूम है, 2 दिन पहले विनोद की उसके साथ सीधी लड़ाई हुई। विनोद ने देखा है, आई विटनेस है, तो ये काम तो वीरा का ही है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये हमें जानना है। या फिर इसके पीछे कोई और मिस्ट्री है, हमें पता लगाना होगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन दिस गाय वीरा। लिसन, कोई भी अपडेट्स हो तो मुझे इंटीमेट करते रहना, ओके? विनोद कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, जल्द ही पकड़ लेंगे। थैंक्स। थैंक यू सर। क्यों, अभी कैसा है? अब मैं ठीक हूँ। विनोद। जी सर। एक मिनट, सिट। विनोद, तुमने जो किया बहुत डेयरिंग का काम है, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम किया करो। आपका मतलब मैंने उसका पीछा करके ठीक नहीं किया? नॉट एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे रिस्क लेना ठीक नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। पुलिस वाले हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से काम करते हैं, राइट? यस सर। मेरी एक बात याद रखना विनोद, कभी कभी हार जाना भी जीत होती है। यस सर। गुड। हम लोग शाम को डॉक्टर प्रदीप के घर पर मिलेंगे, ओके? श्योर सर। थैंक यू। वो तो अच्छा था कि अरुणा तेरे साथ थी। अभी कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तू इतना रिस्क क्यों ले रहा है? ये हमारे सोचने का काम नहीं है। तुझे चुपचाप इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए थी ना। तुम्हारा मतलब सब कुछ देखकर भी मैं चुप रहा हूँ? तू नहीं सुधरेगा। वो डॉक्टर के बेटे की किडनैपिंग केस में कुछ अपडेट है? कोई अपडेट नहीं है। डॉक्टर प्रदीप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता। अब तो कॉल करने पर भी फोन नहीं उठाते हैं। क्या सर को इन्फॉर्म किया? हाँ कर दिया। सर यहाँ रुकिए, मैं उतर जाती हूँ। बाय सर। बाय। सर, जो पैसे मांगे थे यहां रख दिए, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। ए, कोई नजर नहीं आ रहा है, क्या सोच रहा है? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। क्या? वीरा उस रात को यहां क्यों आया था? शायद यहां क्या हो रहा है वो देखने आया होगा, नहीं तो पुलिस क्यों खड़ी है ये देखने आया होगा। कृष्णा, कृष्णा,
कृष्णा। कृष्णा क्या हुआ जी? आपने कहा था मैं कृष्णा को लेकर आऊंगा। पैसे दोगे तो घर पे मिलेगा, ऐसा बोला था उन्होंने। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा कृष्णा चाहिए। कृष्णा आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से मेरा बेटा नहीं मिला। क्यों आए आप? मैंने कहा था आने के लिए सर। मामला बिगड़ता जा रहा है, कुछ करना होगा। क्या हुआ था डॉक्टर? कल एक फोन आया था मुझे, बोला कि 10 लाख रुपए मैं जहां कहता हूं रख दो, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। पैसे रख कर आ गया, मेरा बेटा कहां है? सब इनकी वजह से हुआ है। पुलिस को बाहर खड़ी देखकर मेरे बेटे को वापस ले गए होंगे। हाँ, जैसे हम लोग नहीं आते तो इनका बेटा मिल जाता। देव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने किसके भरोसे पर पैसे दिए। गलती आपने की और दोष हमें दे रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे मेरा बेटा चाहिए। डॉक्टर, हमारे डिपार्टमेंट को आपकी मदद चाहिए। आपके कोऑपरेशन के बिना ये केस सॉल्व नहीं होगा। हेल्प अस टू हेल्प यू। एक्सक्यूज मी, प्लीज रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वीरा से रिलेटेड कोई अपडेट्स? नहीं सर। आप लोग कोऑर्डिनेट करते रहिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही आई लेट यू नो। जी, ओके सर। मुझे कंटिन्यू रिपोर्ट्स और अपडेट्स मिलने चाहिए। ओके सर। ओके ओके सर। यस सर। अरुणा के कांटेक्ट में रहो, वो कौन है पता चलने से काम आसान होगा। फोटो हमारे पास है तो उसे हम ट्रैक कर ही लेंगे, राइट? जी सर। गाइस, कीप अ क्लोज वॉच। श्योर श्योर सर। सर, यहाँ आइए। सर, वहां पर इतना अंधेरा क्यों है? वो घर खाली है क्या? सब गांव में गए हैं सर। कब गए? जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन ही चले गए सर। सर, ये पावर मिनिस्टर रघुनाथ जी का दूसरा वाला घर है सर। सर, एक मिनट में आता हूँ सर। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो तुम नोट करते हो कि नहीं? हाँ, करता हूँ सर। फिर पानी ज्यादा पी लिया था तो बाथरूम होकर आता हूँ सर। जी 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 जी, जल्दी जाओ। हाँ, क्या हुआ? कल रात को 2 बजे मेरे घर पे आना और फिर मेरा जो भी पैसा है उसे मतलब ही कहेगा। इस आदमी की वजह से दूसरों का सुनना पड़ता है। बस हाथ में पैसा आ जाए, गांव जाकर सेटल हो जाऊंगा और एक फाइनेंस कंपनी खोलूंगा और फिर कंपनी का नाम रखूंगा कुमार फाइनेंस एंड को। हैं? गुड मॉर्निंग अरुणा। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ रहने वालों की डिटेल्स हैं? हाँ है। तुमने देखा कुछ इंटरेस्टिंग है? नहीं, कुछ बड़ा नहीं सर, एक छोटी सी चोरी की है। अच्छा, किसके घर में? मिनिस्टर रघुनाथ के घर पर कुछ 1.5 साल पहले 60 लाख की चोरी हुई थी। बट नाउ दिस केस इज क्लोज्ड। कमेंट में ऐसा लिखा है कि मिनिस्टर के घर पे हुई चोरी में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस चोरी का इल्जाम उनके नौकर पर था। वो दोनों नौकर रघुनाथ सर के पेपर गोडाउन में मारे गए। हाँ? वेट, कहाँ? मिनिस्टर रघुनाथ के पेपर गोडाउन में। ये केस तो मैं जानता हूँ। ओके, और कुछ? दैट्स इट सर, और कुछ नहीं।
क्या हुआ सर? मिनिस्टर रघुनाथ का पीए है। रिस्क मत लीजिए सर। अरुणा, इंस्पेक्टर राजा को इन्फॉर्म करना, कहना कि बैकअप चाहिए। कांस्टेबल, इसे लेकर जाओ। ये नंबर ट्रेस करना होगा। ओके। कॉल डिटेल्स, करंट लोकेशन, सब कुछ चाहिए मुझे। विनो, विनो, पुलिस की बीवी हो ना तुम? अरे आवाज आई तो चेक कर रही थी। ठीक है, मेरे लिए कुछ आया क्या? वहीं टेबल पर है, देख लो। माँ कभी आएगी गांव से? मंडे मॉर्निंग की फ्लाइट है। सर। हाँ बोलो अरुणा। देव सर का सेकंड नंबर कॉल लिस्ट रेडी है, उनका लोकेशन पता चल गया है। मुझे एड्रेस मैसेज करो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। ओके। विनू, विनो, बेल्ट भूल गया था। तुम खाना खा लेना। हे, क्या हुआ?
क्या हुआ अंजना? खाना नहीं खा पाया, कुछ अर्जेंट काम है इसीलिए जा रहा था। ठीक है, जाकर आओ या फिर वहीं पर रह जाना। अंजना प्लीज रुको रुको। तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया मैंने, डांस छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, पापा जो स्टूपिड सब बिजनेस चलाते हैं उसे चला रही हूँ मैं, और तुम होगी मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत हो चुका बनू, कभी कभी समझ में आता है तुम तो हमेशा ऐसा करते हो। एक मिनट सर, मुझे मिला हुआ लोकेशन उस तरफ है। अच्छा, या दस मिनट का वक्त दे, सब कुछ बताता हूं। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। सर, कुमार इज डेड, आकर सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं सर। इसकी अपडेट्स तुमने दी थी? मैंने कंट्रोल रूम में तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था सर। ये कुमार और वीरा का क्या कनेक्शन है? मुझे लगता है वीरा उस मंत्री के लिए काम करता है। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। यस सर। देव कहां है? नीचे सर, कह रहा है कि सर दर्द है। इज ही ऑल राइट? यस सर। अभी इस मामले में सिर्फ रघुनाथ से ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तुम रघुनाथ को पहचानते हो? सॉरी सर। मैंने पूछा, रघुनाथ को जानते हो? यस सर, मणि पांडे के एक्सीडेंट के बाद मैं बात करने गया था। कल एक बार फिर से जाकर मिलो, जो कुमार ने किया शायद रघुनाथ को पता भी ना हो। अगर तुम्हें उसकी बातों से कोई शक हो तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। ओके सर। देव को भी साथ लेकर जाओ। एयरपोर्ट, रेलवे, सब जगह अलर्ट कर दिया है। अगर कोई अपडेट्स मिलते हैं तो मुझे रिपोर्ट करो। ठीक है सर। ओके श्योर सर।
क्या हुआ? विनोद सर ने तुम्हारे सेकंड नंबर का पूरा कॉल लिस्ट निकाला है। तुम मैं और छोटे बच्चे के किडनैप में कोई वास्ता है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं वीरा, ऐसा कुछ करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ है? सब तेरी वजह से हुआ। क्या बक रहे हो? मैं सही कह रहा हूं, तू हमेशा कुछ अच्छा करने को कहता था ना, इसलिए वीरा और सबूत। जो भी है सच बता। हे, मुझे इस बारे में तुझसे बात करनी थी। 7 महीने से बीपी हाई है, बहुत टेंशन है। मैं अभी जिस परिस्थिति में हूं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बदलापुर में हुई, महाराष्ट्र, पीसफुल सिटी, रेगुलर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। तुझे याद है हमारे कॉलेज में उमाशंकर था? उसने मुझे राजेश से मिलवाया, बिजनेसमैन फ्रॉम जर्मनी। सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बातचीत हो गई थी, बाद में उसने प्लान और प्रेजेंटेशन भी बना लिया। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा अगर ये सफलता मुंबई में मिल गई तो पावर कभी कट नहीं होगा, इसलिए मैंने मुंबई के प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। लेकिन राजेश के पास इनिशियल अमाउंट की कमी थी, जो हमारे प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं था। हमारे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत देनी थी। मिनिस्टर रघुनाथ की कंपनी को मंजूरी नहीं मिली, हम टूट गए थे। फिर हमने सोचना शुरू किया, राजेश के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया कि क्यों ना कहीं से पैसे फाइनेंस करा लिए जाए। और कोई रास्ता भी तो नहीं था, पैसे तो देने ही थे, काम पूरा हो जाने पर पैसे वापस कर देंगे, ऐसा तय हुआ। लेकिन अभी भी 2 आदमियों की जरूरत थी। 4 साल पहले चोरी के इल्जाम में वीरा पकड़ा गया था, जो अभी राजेश के घर पे था। राजेश ने मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। मैंने ही वीरा को वहां छोड़ा। फिर वो कुमार, रघुनाथ का पीए, उन लोगों को लेकर रघुनाथ के घर पे चोरी की, और फिर उसके बाद मैंने उसे पकड़ भी लिया। राजेश वो तो पहले ही 100 करोड़ देने को तैयार था, प्लान के मुताबिक 200 करोड़ और चाहिए थे। 100 करोड़ में 60 करोड़ वीरा और 40 करोड़ कुमार दे देगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन अभी भी हमारे पास सिर्फ 200 करोड़ ही थे। उसके बाद डीसीपी मनी पांडे का खून हो गया। उसके बाद मैंने वीरा को कहीं नहीं देखा। मनी की मौत हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। कुमार ने बताया 100 करोड़ उसके दूसरे घर पर है, वीरा और कुमार सब संभाल लेंगे, वो ऐसा बोल रहे थे। हमने उन्हें फ्री छोड़ दिया। तुम दोनों ने मिलकर वीरा की डिटेल्स इकट्ठी की, तभी वीरा का प्लान समझ में आ गया। चोर तो हमेशा पुलिस के दिमाग से ज्यादा ही सोचता है, वीरा ने भी वही किया। कुमार और वीरा ने मिलने का प्लान बनाया है कुमार के घर पे, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, मैंने उसका एनकाउंटर करने की सोच ली थी। तभी तू मिला और तूने मुझे न्याय का पाठ पढ़ाया और मैं तेरी बातों में आ गया। प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चालू हो गया था, वीरा को तो मरना ही था और उस बच्चे को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। न्याय नीति और सत्य की राह पर चलते ना तो ऐसे गलत काम में कभी नहीं फंसते। hey, वीरा ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब किडनैप केस में पुलिस का ध्यान बटाकर रघुनाथ के घर से 100 करोड़ निकालने थे, am I right? हाँ। उसके पास पैसे हैं, पासपोर्ट है और वीजा भी है, वो चाहे तो 100 करोड़ लेकर आसानी से भाग सकता है। वीरा ने राजेश के घर पर चोरी की थी। हाँ। राजेश के पास 200 करोड़ है, उसे पता है ना? वीरा को नहीं मालूम था लेकिन कुमार को पता था, ये क्यों पूछ रहे हो? राजेश ने पैसे घर में क्यों रखे? बैंक में रख सकता या बिजनेस में लगा सकता? नहीं, इस मुसीबत के खत्म होने तक वो उसे हाथ नहीं लगाएगा। जल्दी राजेश को कॉल करके सावधान करो, वीरा कभी भी वहां जा सकता है। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है।
ठीक है चलो, हम तीनों को वहां जाना पड़ेगा। हेलो राजेश, तुम कहाँ हो? घर में हूँ। क्यों पूछ रहे हो? दो सूटकेस कहाँ रखे हैं? बीच हाउस में। क्यों, क्या हुआ? तुम जल्दी से वहां पहुंच जाओ। क्यों, कोई जल्दी है क्या? तुम आ जाओ, मैं मिलकर बात करता हूँ। ठीक है, आता हूँ। हाँ क्या हुआ राजेश? तुम यहीं रुको। सॉरी यार, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। सब खत्म, सब वेस्ट। बेचारा वो बच्चा जबरदस्ती फंस गया। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चा कितने साल का है? 7 साल का होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती, वीरा। वो इस वक्त कहां है ये भी नहीं मालूम हमें। वो कहां है ये मैं जानता हूं। क्या बोल रहे हो? मैं बताऊंगा कि वो कहां है, लेकिन 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 क्या? आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ दिस मेस। मैं समझा नहीं। वो कहां है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा है ये? कम ऑन राजेश, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। आई नो देव, पर मुझे भी तो मेरी सेफ्टी चाहिए ना। तुम पे तो मैं विश्वास करता हूं, लेकिन ये दोनों? इन लोगों की मैं गारंटी लेता हूं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और वैसे भी ये ट्रेनी है। हमारा एक एक मिनट वेस्ट करना उस बच्चे की जान के लिए खतरा है। वीरा के पास वीजा, पासपोर्ट, पैसा सब कुछ है। वो कभी भी देश छोड़ के भाग सकता है। ओके, कम। एक हफ्ते पहले दोनों सूटकेस में ट्रैकर इंस्टॉल किया है, जिससे हम 1000 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकते हैं। सूटकेस कहाँ है ये करेक्ट बताएगा। इट्स कॉल्ड GCS, ग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पोजीशनिंग? या, दैट्स राइट। सिंपली कहा जाए तो सूटकेस जहाँ है वहाँ का पता, घर का नंबर, सब पता चल जाएगा। दोनों सूटकेस एक ही जगह पर रखे हैं। ये रहा लोकेशन। मैं सर को रिपोर्ट करना चाहिए। hey, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो क्या? hey, मैं बैकअप के लिए फोन कर रहा हूँ। अरुणा, सर को फोन करो। कहो कि हम लोकेशन पर जा रहे हैं, उन्हें एड्रेस दे दो ताकि हमारे लिए बैकअप रेडी हो जाए। सिचुएशन देखकर कॉल yes, करेंगे sir. अभी हमारे पास 2 गन और 1 पिस्टल है। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है ना? अभी ये सब देखने का टाइम नहीं है। वीरा के देश छोड़ने से पहले उसे पकड़ना होगा। उस बच्चे की जान खतरे में। हाँ, और पैसे भी लेकर आएंगे। Hey, यहीं पे रुक जा। लगता है वो यहीं है। मैं आगे से जाता हूं, तुम लोग पीछे से आओ। ओके, कम। ओके, रुक जाओ, मैं कहता हूं वहीं रुक जाओ, वरना उड़ा दूंगा।
कहाँ है वीरा? कहाँ है? बोल कहाँ है वीरा? बोल। बाबा। वीरा कहाँ है? वीरा कौन है मुझे मालूम नहीं है। वो कहाँ रहता है वो भी मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ सूटकेस संभालने के लिए बोला, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। पैसे यही हैं, हम जानते हैं, पता कहाँ है। हरसू पेपर मिल, रघुनाथ के पेपर मिल का एड्रेस है। अरुणा तुम ये पैसे लेकर जाओ, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, वहां पुलिस बैकअप के साथ पहुंच जाओ, पैसे संभालना। इन पैसों का क्या करोगे? वो हम बाद में देखेंगे, अभी उस बच्चे को बचाना है। वीरा यही है, ऐसा तुम यकीन से कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? ये देखो रघुनाथ की पेपर मिल, यहां बाहर कोई भी नहीं। अब ये क्या बोल रहा है? वहां देख, वीरा के आदमी सो रहे हैं। उस बच्चे को ढूंढना है ना, तुम जाकर बैकअप ले आओ। ए, रुक जा, मैं जाता हूं। पहले उस लड़के को लेकर आओ, जाओ। सुना नहीं क्या? जाके गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी जाओ।
घाव गहरा है, बैकअप आता ही होगा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, राजेश का प्रोजेक्ट पूरा करना, रुकने मत देना। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। संभल के जाना, मैं अभी आता हूं। वो लड़का ऊपर ही है। ए, जाके देख वहां क्या हो रहा है। अबे जाके खत्म कर दे उसे। हाँ भाई। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। हेलो। यस सर। गुड जॉब विनोद, बच्चे को बचा लिया। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लेकिन तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने बाकी हैं। बी प्रिपेयर्ड। ठीक है सर। Bye. See you, sir. देव अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने रास्ता गलत चुना था।
सच को संभालने वाला पुलिस अगर गलत काम हाथ में ले तो आम आदमी और हम लोगों में क्या फर्क है। उस रात के हादसे के बाद उस बच्चे के किडनैपिंग केस को क्लोज कर दिया गया है। किसी भी आदमी को अच्छा काम करने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, वरना उसे जीत कभी नहीं मिल पाएगी। हम जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए तो हमें कहते हैं कानून के रखवाले।